नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में तीन पक्के वाले दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था प्रभाकर, एक का नाम था रंजीत और एक का नाम था संजय। ये तीनों बचपन के तो पक्के दोस्त थे, लेकिन कभी भी कहीं पर भी पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा पाए थे। ये घटना तब की है जब पिकनिक मनाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मानी जाती थी। किसी को भी टाइम मिलता था तो अपने फैमिली वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ दूर दराज के इलाकों में बढ़िया टाइम स्पेंड करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए पहुंच जाया करते थे। आज के ज़माने जैसा नहीं कि किसी को भी टाइम मिले तो लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, मोबाइल में टाइम पास करते हैं। चाहे मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे, जो कोई भी हो, सबको एंटरटेनमेंट का अलग अलग तरीका मिल गया है। लेकिन उस टाइम पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। ये तीनों एक दूसरे के घरों के आसपास तो रहते थे, इसलिए शाम के समय डेली खेलने के लिए तो चले जाया करते थे। लेकिन कभी भी ये बेचारे दूर कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए, नाइट आउट मारने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा पाए थे। बचपन से ही सोचते थे कि जब हम क्लास 12th पास कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे, अब चाहे हमारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले हमको घूमने के लिए कहीं ले जाए ना ले जाए, हम पक्का कहीं किसी बढ़िया से पिकनिक स्पॉट में नाइट आउट मार के आएंगे। ऐसा सोचते थे बेचारे छोटे थे तो। अब थोड़े बड़े हुए तो लगा कि अरे हम थोड़ा बचकाना सोचते थे, लेकिन नहीं, बचपन का ये सपना था तो इसको जरूर पूरा करेंगे। आखिरकार आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 2004 में इन लोगों की क्लास 12th क्लियर होती है, अच्छे परसेंटेज है। घर वालों को दिखाया, घर वाले बहुत खुश, खुशी के साथ घर वालों से इन लोगों ने रिटर्न गिफ्ट मांग लिए। रिटर्न गिफ्ट ये कि हम लोग जाना चाहते हैं पिकनिक मनाने के लिए, हमको रोकना मत। अब जहां पर इन लोगों का गांव घर था, वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बढ़िया वाला पिकनिक स्पॉट मौजूद था। एक ऐसा पिकनिक स्पॉट था जहां पर एक छोटा सा झरना, छोटी सी पहाड़ी, ढेर सारी ग्रीनरी और एक छोटा सा मंदिर भी मौजूद था। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर था जहां पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। यह मंदिर के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। इस मंदिर में ना ही कोई मूर्ति विराजमान थी और ना ही किसी का प्रतीक, लेकिन फिर भी ये मंदिर था। पता नहीं कैसा था, खैर मंदिर के बारे में छोड़ो, बाकी सारा कुछ यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग था। और कोई भी आए तो अपने आप को यहां पर टाइम स्पेंड करने से रोक ना पाए। घर वालों से परमिशन मांगे और घर वालों ने हाँ भी कह दिए, क्योंकि आज तीनों के घर वाले थे भी इतने खुश। तीनों की बात करें तो 90% के ऊपर आए हुए थे। फिर क्या था भाई, इन तीनों ने अपने अपने घरों से कुछ ऐसा सामान भी इकट्ठा किया कि हम लोग वहां पर जाकर इसका खाना भी बनाएंगे। मतलब वहां पर चूल्हा बनाएंगे, चूल्हे में बढ़िया खाना पकाएंगे, खाएंगे, रात में ढेर सारी बातें करेंगे, कहानियां एक्सचेंज करेंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। इन तीनों में से संजय के पास खुद की स्कूटर थी। डिसाइड किए हुए थे कि स्कूटर में सवार होकर तीनों जाएंगे। और ये वैसी वाली स्कूटर नहीं थी जिसकी सीट्स अलग अलग होती है, इस स्कूटर की सीट पूरी प्लेन वाली थी, तो तीनों आराम से बैठ सकते थे। अब तीनों डिसाइड की हुई डेट में रात में लगभग 8 बजे इस स्कूटर में सवार हुए, पहुंच गए। भाई यहां पर ना सीन ये था कि पिछले साल तक काफी सारे लोग आते जाते थे, चाहे दिन हो, शाम हो या रात भी हो, रात में भी यहाँ पर टेंट लाकर लोग रुकते थे। लेकिन आज कोई समझ में नहीं आ रहा था, ये तीनों तो पहली बार आए हुए हैं ना जिंदगी में। इन तीनों ने इस जगह के बारे में सुने थे लेकिन कभी आए नहीं थे। ये तीनों वहाँ पर अपनी चटाई बिछाए हैं, बैग से सामान वामान निकालना शुरू किए हैं। इतने में एक बोलता है कि चल भाई चूल्हा बना लेते हैं, थोड़ी आगे ईंट पड़े होंगे। तो संजय ईंट उठाने के लिए जाता है, इतने में संजय को एक दुकान वाला दिखता है, एक छोटा सा दुकान वाला जो कि अपनी दुकान बंद कर रहा था। बंद करके घर पर जाना होगा, 8:30 बजे की बात थी, ठीक है भाई, वो बंद करके जा रहा था। ये सोचा कि एक बार उससे पूछ तो लेता हूँ। दुकान वाले के पास गया तो दुकान वाला इसको देखकर चौंक गया, बोलता अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, चलिए चलिए जाइए, रात हो चुकी है। संजय बोलता है क्यों जाइए भाई, यहाँ पर तो लोग रात में नाइट आउट मारने के लिए, टेंट लगाने के लिए आते हैं, अभी तक पिछले साल तक आते थे, हमारे एक रिलेटिव भी आए हुए थे, आप कैसे जाइए जाइए बोल रहे हैं। ये बोलता है कि भाई साहब वो बात थोड़ी पुरानी हो गई, 1 साल पहले तक ये जगह थोड़ी नॉर्मल थी, अब नहीं है, मेरी बात मानिए, यहाँ से चले जाइए, देवी देवता भी अब इस मंदिर में रहते नहीं है। वो शौक हो गया,
बोला, हाँ आप उसी मंदिर की बात कर रहे हैं क्या जहां पर कोई मूर्ति नहीं है? दुकान वाला बोलता है, हाँ बिल्कुल उसी मंदिर की बात कर रहा हूँ। एक जमाने में वहां पर देवी देवता मूर्ति प्रतिमा सब विराजमान थे, लेकिन अब नहीं है। इस निगेटिविटी की वजह से, इस जगह की श्राप की वजह से वो भी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। संजय को लगता है कि ये आदमी ना थोड़ा सा पागल है, इसकी थोड़ी सी खिंचाई करते हैं। बोला, भाई साहब आप 2 मिनट रुकेंगे क्या? मेरे 2 दोस्त भी मेरे साथ में हैं, अब मैं उनको जाकर ऐसा बोलूँगा कि चलो चलो ये जगह सेफ नहीं है तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, उससे अच्छा कि आप बोल दें उनको। तो भाई साहब बोलते हैं दुकान वाले भाई साहब कि हाँ हाँ ठीक है मैं रुका हूँ, तुम जल्दी से बुलाकर लेकर आओ, मेरे भी जाने का समय हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे आसपास वो आने लगेंगे, और वो आने लगेंगे तो फिर हमारा यहाँ से निकल पाना बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा। संजय को ऐसी थोड़ी सी हंसी आती है, हंसी को कंट्रोल करता है, बोलता है भाई साहब मैं 2 मिनट में आया। अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों को बताता है, बोलता है कि एक आदमी मिला है यार दुकान वाला, वो थोड़ा सा ना मुझे क्रैक लग रहा है, उसकी अपन गेम लेते हैं, चलो चलो। तीनों खुश हो गए, तीनों गए उसके पास और तीनों ने उससे बात की, और तीनों को फिर से उसने यही बात बोला। ऐसा बोल के वो निकल गया, बोला मैं तो निकल रहा हूँ, तुमको निकलना है निकलो, नहीं निकलना है मत निकलो, बहुत समय हो चुका है, ऐसा बोल के वो निकल गया। अब जैसे ही वो गया है तो तीनों हंसे 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 फिर बात करने लगे, अरे ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। बात करते करते अचानक से रंजीत कहता है कि नहीं यार जैसा भी हो वो आदमी ना शायद मतलब कुछ इनोसेंस से ही कह रहा था, उसकी आंखों में मुझे ऐसा पागलपन नहीं दिखा, उसकी आंखों में मुझे सिर्फ डर दिखाई दिया। उसकी आंखों में डर सिर्फ इसी कारण से हो सकता है ना कि उसने कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा, यहाँ पर उसकी दुकान है यार और ना जाने कब से होगी, वो ऐसे ही तो कुछ भी कहेगा नहीं, एक पागल आदमी अपनी ठीक ठाक सी दुकान ऐसे ही मेंटेन नहीं कर सकता, हम चले गए यहाँ से। रंजीत की बात पर अब फिर से ये दोनों हंसने लगे, बोले बस तेरा भी फिल्में शुरू हो गया, अरे भाई कुछ नहीं है यार, चलो यार छिल मारते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे गए हैं, चूल्हा उला लगाए हैं, अपना खाना बनाए हैं, टाइम पास किए हैं, रात के 1:30 बजा दिए, 1:30 बजे के आसपास ये लोगों ने सोचे कि यार बहुत हो गया है क्या, चिंगम जो है वो ज्यादा ही खिंच गई है क्या, और ज्यादा खींचेंगे तो चिंगम टूट सकती है, यानी अभी तक जितनी खींची है उतने में मजा आया है, चिंगम को ऐसे ही रहने देते हैं और हम लोग घर निकल जाते हैं। थोड़ा आप समझे, मैं थोड़ा आपको पहेली बनाकर बोल रहा था, बात ये थी इनको ऐसा लगा कि हम 1:30 तो बढ़िया से इंजॉयमेंट के साथ यहाँ पर बजा दिए हैं, अब कुछ बचा नहीं है, हमने ढेर सारी फोटोज़ खींच लिए हैं, कुछ पका के खा भी लिए हैं, कहानियाँ भी कर लिए हैं और बातें भी कर लिए हैं, बहुत कुछ कर लिए हैं, अब चल लेते हैं, अब ज़्यादा ही बिना मतलब के ऐसा रुकेंगे यहाँ पर, रात ख़राब करेंगे तो ये वाली मेमोरी हमारी फीकी पड़ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलते हैं, चलो चलो चलो। अब भैया इन लोगों के पास एक कैमरा था, उस ज़माने में कौन सा कैमरा चलता था, रोल वाला, रील होती थी, वो कैमरे में रील डलती थी और उसे खिंचिक 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 फोटो खींचती थी और फिर वो रील को डेवलप करने के लिए भेजा जाता था और फिर फोटो बनकर आती थी, फोटो का प्रिंट ऐसा होता था। एक रील में कितनी फोटो खींचती थी मुझे याद नहीं है, आपको पता है क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उस ज़माने में ऐसे मोबाइल भी इतने एडवांस नहीं थे और ना ही डिजिटल कैमरों का इतना ज़्यादा बूम आया हुआ था, मिडिल क्लास लोग अपने पास रील वाले कैमरे रखा करते थे। तो ना रंजीत हमेशा अपने पास कैमरा रखता था और जब से यहाँ पर आया था ढेर सारी फोटोज खींच रहा था, कभी संजय की अकेले तो कभी प्रभाकर की अकेले, कभी ये दोनों के साथ में तो कभी दुनिया भर की साथ में, ये बेचारे की फोटो नहीं निकल पाई थी। अब ये लोग जब अपना सामान अमान उठा के डालने लगे तो रंजीत बोलता है यार रील में सिर्फ 2-3 फोटो बची हुई है, प्रभाकर मेरी फोटो थोड़ी सिंगल निकाल देना, तुम लोगों की तो बढ़िया मैंने निकाला, मेरी एक भी फोटो नहीं है, प्लीज़ यार निकाल देना, थोड़ा जंगल में ऐसा हाथ फैला के खड़े होऊंगा हीरो जैसा, अच्छा लगेगा। प्रभाकर बोलता है यार तुझे भी अभी फोटो खिंचानी है, मुझे सुसु आई हुई है, मैं हल्का होके आ रहा हूँ, ए संजय ये रंजीत की फोटो खींच देना, और ऐसा बोल के प्रभाकर जल्दी जल्दी दौड़ के जाने लगता है हल्का होने के लिए, जोर से आई हुई थी, इसको रोक के रखा था। अब भैया ये जो था, ये जहाँ पर ये पार्टी कर रहे थे ना, ये जहाँ पर पिकनिक मना रहे थे, वो खुला सा मैदान था, हल्का होने के लिए इलाका थोड़ी आगे था, 2 पेड़ों के पीछे की तरफ, यो थोड़ी आगे की तरफ पेड़ों की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ पर संजय ने मोबाइल लिया है, इतना ही देखा है इसने, संजय ने मोबाइल लिया है रंजीत की फोटो खींचने के लिए और ये अपना हल्का होने के लिए चल गया, मस्त से हल्का हुआ 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 ऐसा ख़त्म हुआ। और जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचा तो क्या बात है कि उस पॉइंट में कैमरा एक जगह फिकाया पड़ा हुआ है,
और कैमरे से कुछ ही कदम आगे संजय जो फोटो खींच रहा था रंजीत की, वो ऐसा पड़ा हुआ है, पूरा मुंह टेढ़ा, शरीर अकड़ गया है, हाथ पैर सब अकड़ गए हैं। वो कांपते हुए कुछ तो भी बोलने की कोशिश कर रहा है। ये घबरा कर उसके पास जाता है, अरे संजय तू ठीक तो है ना, तुझे क्या हो गया, कैमरा क्यों फेंक दिया और रंजीत कहाँ है जिसकी तू फोटो खींच रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। वो बोल रहे भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या। प्रभाकर देखकर समझ गया ये जो संजय ऐसा हुआ पड़ा है ना कि उसके पूरे शरीर में पैरालिसिस का अटैक आ गया है। वो सोचा कि रंजीत कहाँ चले गया, उसको उठ के देखता हूँ। रंजीत 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 चिल्लाने लगा लेकिन रंजीत का कोई रिस्पॉन्स ना आए। अब जहां पर इन लोगों की स्कूटर खड़ी हुई थी, स्कूटर के जस्ट पीछे ये उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो क्या पाया कि स्कूटर के पीछे वो ऐसा कुकड़ा बन के मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर वहीं पर जम गया। वो पूरा ऐसा अकड़ चुका था कि मैं क्या बताऊं। ये उसकी नब्ज चेक किया, नब्ज बंद थी, शरीर ठंडा था, उसकी जान निकल चुकी थी, मुंह खुला हुआ रहा ऐसा। ये बोला कि कुछ गड़बड़ हो गई है भाई। फिर से भागते हुए संजय के पास जाता है। संजय सुन, तू ना हिम्मत बनाए रखना, मैं स्कूटर लेकर जा रहा हूँ और किसी ना किसी की मदद लेकर आता हूँ, तो हिम्मत बनाए रखना, रुक मैं तेरे को साइड में बैठा देता हूँ। वो उसको साइड में लेकर गया और एक पेड़ था वहाँ पर टिका के उसको बैठाने की या लिटाने की कोशिश किया और तेजी से स्कूटर भगाते हुए वो थोड़ी आगे निकला दूसरे रास्ते की तरफ, क्योंकि जिस रास्ते से ये लोग अपने गाँव से आए थे उस रास्ते में आसपास कोई बस्ती छोटा गाँव नहीं था, इसलिए एक छोटे गांव या बस्ती की तलाश में वो दूसरे रास्ते में गया और 2 या 3 किलोमीटर के बाद उसे एक छोटी सी बस्ती दिखाई थी। रात के 1:30 भले ही बज रहे थे लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां पर लाइट जल रहा था, वो एक छोटा सा ढाबा जैसा था। वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग, उम्र रही होगी ये कोई 65-70 साल की, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। वहां पर एक टेलीफोन भी लगा हुआ था, जो टेलीफोन बूथ होता है। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए टेलीफोन बूथ के पास बढ़ा है कि दोनों आदमी उसको देखकर बोलते हैं अरे अरे बेटा संभाल कर, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, कोई तकलीफ है क्या, हम कुछ मदद कर सकते हैं। ये घबराते हुए फोन उठाने से पहले उन बुजुर्गों के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है कि मेरा एक दोस्त ऐसा मरा पड़ा है और एक दोस्त को ऐसा लकवा पड़ गया है, आप मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोनों बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम जल्दी से फोन बूथ तक आए हो तो पुलिस वालों को फोन करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हम लोग चलते हैं तुम्हारे साथ। ये फटफट फटफट वहाँ पर फोन लगा देता है, पुलिस वालों को भी एम्बुलेंस को भी जगह बता देता है, क्योंकि ये जगह फेमस थी, पिकनिक स्पॉट थी। और वो दोनों बुजुर्गों को अपने स्कूटर में बैठाता है और उस पॉइंट पर लेकर जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि संजय की हालत तो और भी ज़्यादा खराब दिख रही है, रंजीत तो कुकड़ा मरा पड़ा हुआ है, संजय की हालत और ज़्यादा खराब है। तो उसको उठाते हैं, बैठाने की कोशिश करते हैं, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं कि उतने में ही वहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। एम्बुलेंस में दोनों को डाला जाता है, पुलिस वाले तहकीकात करते हैं, काफ़ी समय निकल जाता है, इसको पुलिस स्टेशन तक भी लेकर जाते हैं, फिर ये हॉस्पिटल तक जाता है, बहुत कुछ होता है और फिर फाइनली आखिरकार रात के लगभग 4:30-5 सुबह हो जाएगी ना यार, सुबह के लगभग 4:30-5 बजे के आसपास इसको बोला जाता है कि भाई जाओ जाओ, इसके घर वालों का नंबर तो तुमने दे दिए हो, जो लड़का मरा हुआ है और जिस लड़के को लकवा पड़ा हुआ है उसके घर वालों का भी नंबर दे दो और तुम जाओ, हो सके तो उनके घर वालों को बता भी देना। इसने बोला हाँ सर, वो मेरे घर के पास में ही रहते हैं। इसने वो स्कूटर उठाया और फिर घर तरफ आया। ये सारी की सारी बात संजय और रंजीत के घर वालों को भी पता चल चुकी थी, पुलिस वालों का फोन आ चुका था और वो भी निकलने की पूरी तैयारी में थे, गाड़ी वाड़ी उनके घर के सामने लगी हुई थी। इसको बोलते बेटा तू भी जल्दी से बैठ जा, भला गाड़ी में बैठ, जल्दी जल्दी चलते हैं, और चलते चलते तू पूरी बात बता क्या हुआ क्या नहीं। ये गाड़ी में सवार हो जाता है वापस से उधर जाने के लिए और पूरी बात बता रहा है संजय के घर वालों को भी, रंजीत के घर वालों को भी। लेकिन कोई करे ऐसे सिचुएशन में तो क्या करे, सिर्फ रोना गाना मचा हुआ है, हालत खराब है सबकी। हॉस्पिटल पर पहुंचे और जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर कदम रखे हैं, नर्स भागते भागते बाहर आई और तुरंत इनको देखकर बोली माफ कीजिएगा, संजय भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे भाई फिर क्या था, घर वालों की तो ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं। पुलिस वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने, सभी ने एक दूसरे को समझाए, चीजें जैसे तैसे करके एडजस्ट हुई। आखिरकार इन दोनों के मृत शरीर को यहाँ से ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद
प्रभाकर के घर में फोटो स्टूडियो से एक फोन आता है। प्रभाकर फोन उठाता है। ये फोटो स्टूडियो वाला प्रभाकर को घबराते हुए कहता है, भाई तू जल्दी से मेरे स्टूडियो आ जा, तूने जो कैमरा दिया हुआ था उसकी रील की फोटो मैंने डेवलप किया, एक एक फोटो डेवलप किया, लेकिन आखिरी की जो मैंने फोटो डेवलप किया हूं उसे देखकर तो हिल जाएगा, जल्दी आ। ये भड़बड़ाते हुए वो फोटो स्टूडियो पहुंचा और जैसे ही आखिरी में खींची हुई फोटो को देखा है तो उसके हाथ पैर वहीं पर सुन्न पड़ गए। इसने क्लियर क्लियर देखा जिस फोटो में बेचारा रंजीत ऐसे हाथ फैला के हीरो जैसा पोज करने की कोशिश कर रहा था, उसके जस्ट पीछे एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी हुई थी जो कि बहुत बहुत ज्यादा स्कैरी दिखाई दे रही थी। अब वो टाइम पे ना ऐसा कोई मतलब एडिटिंग वगैरह कोई स्कोप नहीं होता था रील वाली फोटोज में। डिजिटल फोटोज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के ज़माने में तो चीज़ें ऐसी हो गई है, लेकिन वो लिटरली ऐसा था। फिर भी उसको देख के विश्वास नहीं हुआ, बोला तुमने इसके साथ कुछ किया, फोटो के साथ, तुम झूठ मत बोलो, किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे मजाक मत करो, मेरे दोस्त है तुम्हारे, ऐसे तेजी कर दूंगा। फोटो स्टूडियो वाला बोलता है कि भाई मैं छेड़खानी एक फोटो के साथ कर सकता हूँ, मानता हूँ थोड़ी बहुत, एक काम कर तू अंदर रेड रूम में चल, रेड रूम मतलब वो होता है जहाँ पर फोटोज़ को डेवलप किया जाता है, मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने ना वो रील दिखाया इसको, लिटरली रील में भी दिख पा रहा है कि उसके पीछे वो ऐसा खड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई तो खड़ा है। रील में चेहरा नहीं दिखता है क्लियर, निगेटिव निगेटिव दिखता है, लेकिन फिर भी वो देख पा रहा है क्लियर। वो फोटो रील के साथ संजय और रंजीत के घर पर पहुंचा है और जैसे ही सबको दिखाया है तो सब धीरे से सदमा वो भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके दिमाग में जहन में वो घटना और ख़तरनाक तरीके से ताज़ा हो गई और इनके घर पे बुरी तरह से मातम छा गया कि बताओ ये घूमने गए और एक चुड़ैल चिपका लिए और दोनों की मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव के एक राज नाम के लड़के ने लिख भेजा। राज को भी ये कहानी किसी के थ्रू पता चली, थोड़ी पहले की कहानी है। प्रभाकर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी उससे पूछो कि कैसी थी वो रात तो वो घबरा जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। इस वीडियो को अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में 10 में से कहानी को ज़रूर रेट करना, कहानी जैसी भी लगी हो नंबर दे देना, मुझे अच्छा लगेगा। अब तक देख लिए, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।